साथियों जय हिंद नमस्कार। मैं मासूम सदरपुरी और हाजिर हूँ सेगमेंट फिल्मी बात मासूम के साथ। साथियों पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम आपको बताएंगे कि मोहम्मद अजीज साहब को कौन सा गाना सबसे प्यारा था जो हमेशा अपने फ़ोन के कॉलर ट्यून में लगा के रहते थे। साथियों होता क्या है कि हमें जो गाना बेहद अजीज होता है, जो गाना हमारे दिल के करीब होता है, जिसे हम बेहद पसंद करते हैं, अमूमन उसे हम अपने फ़ोन के कॉलर ट्यून में लगाते हैं। साथियों इस सेगमेंट में, इस वीडियोस में हम यही आपको बताने वाले हैं कि मोहम्मद अजीज साहब को कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद था जिसे वो अपने फ़ोन के कॉलर ट्यून में हमेशा लगा के रखते थे। साथियों अपने आखिरी दिनों में अजीज साहब, मैं सन 2017-18 की बात कर रहा हूँ, मैंने खुद उनके मोबाइल फ़ोन पर कई बार कॉल की बात की। साथियों तो आप जानते हैं कि कौन सा गाना कॉल करने पर मोहम्मद अजीज साहब के मोबाइल पर सुनाई देता था? जी हाँ, 1987 में आई मशहूर फिल्म नगीना, जिसका एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही हिट गाना था, आजकल और कुछ याद रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। यही गाना मोहम्मद अजीज साहब हमेशा अपने मोबाइल फ़ोन में लगा के आखिरी दिनों में रखते थे और कहते भी थे और अक्सर वो गुनगुनाया भी करते थे विभिन्न इंटरव्यूज़ में मिलने पर कि आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। बेहद अजीज़ गाना था मोहम्मद अजीज़ साहब को और हमेशा अपने फ़ोन में लगा के रखते थे। तो साथियों कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये नई जानकारी आपको कैसी लगी और अगले वीडियोस में हम आपको बताने वाले हैं अजीज़ साहब के ही बारे में कि वो कौन सा गाना था जिसकी रिकॉर्डिंग पूरे होने पर शम्मी कपूर साहब ने अजीज़ साहब को अपने कंधे पर उठा लिया और स्टूडियो में नाचने लगे और केतन देसाई साहब ने फ्लैट की चाबी गिफ्ट में उनके सामने रखी थी। अगले वीडियो में इसकी जानकारी के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।